शहरी खबरदार होशियार, अपनी मदद आप, शहर में लगे स्पीड रडार कल सुबह से चालान के लिए तैयार। इशारे से 25 मीटर पहले जिस लेन में हैं उसी में रहें वरना चालान भरें। कैनाल रोड पर 70 किलोमीटर प्रति घंटे से तजावज करने पर ई चालान होगा। मॉल रोड, जेल रोड और मेन बुलेवार्ड पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे से तजावज पर चालान आपका मुंतजर होगा। पीआईए की गिरती दीवार को एक और धक्का, कैटरिंग की दो गाड़ियां पुरस्कार तौर पर लापता। कैटरिंग गाड़ियों को लाहौर और सियालकोट के दरमियान गायब किया गया। गेट पास पर स्टोर परचेजर अफसर और फूड सर्विसेज इंचार्ज के दस्तखत मौजूद। भूखे चोरों ने लाखों का खाना और कैटरिंग सामान चुराया। डेप्टी जनरल मैनेजर फूड सर्विसेज हसन महमूद कुरैशी मौतल, सामान चोरी हो गया, गाड़ियाँ छोड़ दी, तर्जुमान पीआईए का दावा। बिजनेस क्लास, इकोनॉमी क्लास, पायलट और कैबिन क्रू सबके खाने पर डाका। स्नैक्स, फल, सैंडविच, कोल्ड ड्रिंक्स, चिकन बिरयानी, चिकन कोरमा, चिकन शाशलिक गायब, जूस, खीर, स्वीट, पेस्ट्री, कहवा, बोतल और चाय भी चोरी। दो बड़े जहाज़ों के मुसाफिरों के खाने पर हाथ साफ किए गए। किचन कुजीन नामी कंपनी ने पीआईए को खाने का बिल भी भिजवा दिया। बस बहुत हो गई पीआईए मुलाजमीन की मौजें, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पर सख्ती से अमल दरामद शुरू। अफसरान से कवायद और जवाबित के खिलाफ दी गई गाड़ियों की वापसी का हुक्म। पीआईए के जनरल मैनेजर इंडस्ट्रियल रिलेशंस ने अहकामात जारी कर दिए। मैं जब दोबारा अपना कैश निकालने के लिए आया हूँ तो वहाँ से पता चल रहा है कि मेरी पूरी सैलरी ही वो किसी ने पहले ही विड्रॉ कर ली हुई। कहीं लाखों का खाना गायब तो कहीं बैंक अकाउंट का सफाया। हैकर्स का जनरल अस्पताल के मुलाजिम के अकाउंट का हमला। फार्मेसी पर मुलाजिम शकील अहमद के पूरे अकाउंट का सफाया। माह सितंबर की पूरी तनख्वाह ही गायब कर दी। मुतासिरा नौजवान एमटीएम मशीन पर गया तो कार्ड भी ब्लॉक था। हैकर्स के हाथों लुटने वाले शकील अहमद की चीफ जस्टिस से नोटिस लेने की अपील। किसी स्कीम को देखे बगैर मंजूरी नहीं दूंगा, हर स्कीम का खुद जायजा लूंगा। वजीर आला पंजाब उस्मान बुजदार ने एलडीए को लाल झंडी दिखा दी। एलडीए टीपा और वासा का बजट मंजूर करने से इनकार। घरेलू सार्फीन के लिए पानी के निरखों में इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद। पानी बोतलों में बेचने वाली कंपनियों से चार्जेस लेने की भी मंजूरी। पानी के अस खुद गैर कानूनी कनेक्शन खत्म करने के लिए 45 दिन की मोहलत देने का फैसला। एलडीए की लीगल, फाइनेंस और ह्यूमन रिसोर्स की कमेटियां तश्कील देने की हिदायत। शहबाज शरीफ की एहतसाब अदालत पेशी, 7 रोज़ा राहदारी रिमांड मंजूर। नैब की साबिक वज़ीर आला के मजीद जिस्मानी रिमांड देने की इस्तदा मुस्तरद। हमजा शहबाज की फैमिली के हमराह नैब ऑफिस आमद, वालिद से मुलाकात। नैब केसेस, पीएसी चेयरमैनशिप समेत दीगर अमूर पर बातचीत। हमजा शहबाज से मुलाकात के बाद नैब टीम शहबाज शरीफ को इस्लामाबाद ले गई। एक धेले की करप्शन नहीं की, अल्लाह को गवाह बनाकर कह रहा हूँ। ब्लड कैंसर है, मेरा तिब्बी मुआयना भी नहीं कराया गया। अदालती हुक्म के बावजूद फैमिली से मिलने नहीं दिया गया। बहू भी बीमार है। शहबाज शरीफ अदालत के सामने फट पड़े। जब कोई आएगा नहीं तो हम कैसे मुलाकात कराएं? नैब प्रोसिक्यूटर का जवाब, अदालत ने डीजी नैब को मेडिकल कराने का हुक्म दे दिया। शहबाज शरीफ कब तक भागेंगे? अदालत में पेश होना ही पड़ेगा। सानहा मॉडल टाउन के शोहदा के वर्सा को इंसाफ मिलकर रहेगा। हमारी जगह कोई और होता तो शहीदों का नाम ही भुला देता। डॉक्टर ताहिरुल कादरी का तकरीब से खिताब, कातिलों को पकड़ने में ताहिरुल कादरी का आखिर तक साथ दूंगा। शोहदा का हिसाब लेने के लिए ताहिरुल कादरी जैसा बंदा ही चाहिए। सूबाई वजीर प्रोसिक्यूशन चौधरी जहीरुद्दीन की गुफ्तगू। दरबारों की 85 करोड़ रुपए की आमदन कहाँ जाती है? पंजाब के 500 से ज़ायद मज़ारों की चंदा में मुबैना करप्शन की बाजगश्त। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर फ्रांसिक ऑडिट शुरू। मज़ारों के फंड से मुतालिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई जाएगी।
नई तालीमी पॉलिसी क्या होगी? लम्स के प्रोफेसर्स को सरकारी यूनिवर्सिटी के 3 वाइस चांसलर्स पर फौकियत देने पर नया तनाजा खड़ा हो गया। 6 वर्किंग ग्रुप्स बनाए गए, 29 सरकार को शामिल किया गया। सरकारी यूनिवर्सिटी से सिर्फ 3 वाइस चांसलर्स को रुकन बनाया गया। 6 वर्किंग ग्रुप्स का सरबराह निजी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को क्यों बना दिया गया? पक्की मुलाजमत चाहिए तो असातिजा को क्या क्या करना पड़ेगा? हुकूमत पंजाब ने असातिजा की मुस्तकली के लिए नई शरायत आयद कर दी। बीए, बीएड, एमए, एमएड लाजमी करार। मुस्तकली से कबल क्लासों के नतायज भी देखे जाएंगे। डॉल्फिन फोर्स का एक और दस्ता आवाम की हिफाजत के लिए तैयार। डॉल्फिन फोर्स के 7वें बैच की पासिंग आउट परेड। 881 अहलकार पास आउट। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और आईजी की तकरीब में शिरकत। परेड का मुआयना भी किया। अहलकारों का अपनी अमली सलाहियतों का मुजाहरा। डाकुओं को पकड़ने की खसूसी मशकें। पुलिस बैंड ने खसूसी धुनें भी बखेरी। वज़ीर आला ने नुमाया कारकर्दगी पर अहलकारों में शील्ड्स तकसीम की। बोले, दहशतगर्दी के वाकयात में कमी आ चुकी है, पुलिस को तमाम सहूलतें और वसाइल देंगे। चोरों के कब्रिस्तानों में भी डेरे। सब्जाजार कब्रिस्तान फातिहा खानी के लिए आए शहरी की मोटरसाइकिल लेकर फरार। वारदात की सीसीटीवी फुटेज लाहौर न्यूज पर हासिल हो गई। डकैती की बढ़ती वारदातें रोकने के लिए नई हिकमत अमली तैयार। डॉल्फिन अहलकारों को अब थाने भी तैनात किया जाएगा। 2416 अहलकारों को शहर के 50 बड़े थानों में तैनात किया जाएगा। हवाला हुंडी के कारोबार में मुलव्वस अपराध के खिलाफ क्रैकडाउन तेज। एफआईए ने कार्रवाई करते हुए प्राइस बॉन्ड डीलर जावेद को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम से बड़ी तादाद में मुल्की और गैर मुल्की करेंसी समेत लाखों मालियत के प्राइस बॉन्ड बरामद। पानी की बचत के मुनफरिद मंसूबे का आगाज। वजू के लिए इस्तेमाल होने वाला पानी पौधों को लगाया जाएगा। वासा ने इस्तेमाल शुदा पानी को रिसाइकिल करने का मंसूबा तैयार कर लिया। सूबाई वजीर मियां महमूदुर रशीद ने जौहर टाउन में मंसूबे के पायलट प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। मिशन क्लीन लाहौर जारी। एंटी इंक्रोचमेंट टीम और जिला इंतजामिया का लारी अड्डा के करीब ग्रैंड ऑपरेशन। गैर कानूनी तौर पर कायम 8 गैर कानूनी कंटेनर्स को मिसमार कर दिया गया। क्लीन एंड ग्रीन पंजाब मुहिम कामयाब बनाने का ऐलान। वजीर आजम पाकिस्तान के साथ डिनर का अहतमाम। दाता गंज बक्स जोन के अफसरों के लिए वजीर आजम के साथ डिनर की पेशकश। जो अफसर टारगेट पूरा करेगा, वजीर आजम पाकिस्तान के साथ खाना खाएगा। डीसी लाहौर सालिया सईद। इंसाफ की फराहमी, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट अनवारुल हक का बड़ा इकदाम। पंजाब भर की मातहत अदालतों को जानशीनी सर्टिफिकेट की दरख्वास्तों पर फैसला 1 हफ्ते में सुनाने का हुक्म। सेक्सेशन सर्टिफिकेट में शहादतों के बाद 1 हफ्ते में फैसला सुनाया जाए, हाई कोर्ट का हुक्म। मुरासला जारी। मुल्की सनत को पैरों पर खड़ा करेंगे। पहले जब वजीर थे तो काम नहीं भी करते थे तो काम चल जाता था, अब ऐसा नहीं होगा। वजीर आजम से मुलाकात करके खुद ताजिरों के मसाइल से आगाह करूंगा। सूबाई वजीर सनत और तिजारत मियां असलम इकबाल का लाहौर चैम्बर की तकरीब से खताब। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स अलमास हैदर बोले, ज़राअत पर इस्लामी कवानीन के मुताबिक 10% टैक्स लगाना ज़रूरी है। असम्बलियों में बैठे सियासतदान और वडेरे खुद पर टैक्स नहीं लगने देते। IMF हमारी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं। चेयरमैन FBR ने मुलाजमीन और अफसरान को बता दिया। बोले, काम करना होगा, टैक्स कटौती करके रिकवरी को बेहतर बनाए। असासों में प्रॉपर्टी गाड़ियां जाहिर ना करने वालों को नोटिस जारी करें। चेयरमैन FBR के दौरे लाहौर की अंदरूनी कहानी लाहौर न्यूज सामने ले आया। टै
टैक्स जमा ना कराने वाले बड़े रेस्टोरेंट्स अब बच ना पाएंगे। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने एक्शन, 50 से ज्यादा रेस्टोरेंट्स को जबरी तौर पर टैक्स नेट में रजिस्टर्ड कर लिया। नोटिस का जवाब ना देने वाले मालिकान के खिलाफ कार्रवाई का भी आगाज। और यूसीपी खेलों के मैदान में भी पेश, इंटर कॉलेजिएट साइकिलिंग मुकाबले, मुल्क भर से 12 यूनिवर्सिटीज के खिलाड़ियों की शिरकत। यूसीपी के 19 तलबा ने गोल्ड मेडल्स अपने नाम करके मैदान मार लिया।